आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना, ये थोड़ा चेंज कर दो। अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब पीसीबी ऑफिशियल्स ने बात करना शुरू कर दिया है, जब पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है। अभी हमने हाइब्रिड कर लिया तो उसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। होती है, देखिए हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर कोई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते, आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका। ना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है। बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया, ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना। पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मशगला रहा है, जहां पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसे कोई जो ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मशगला रहा है करना नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाह रहा कि वहां पर ये चैंपियन ट्रॉफी हो, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है अब हिस्सा आ चुका है। तो उम्मीद यही है कि भैया हमें सेफ्टी चाहिए टीम्स की, लोगों की, ऑडियंस की। कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए। है कि $3 billion जिस ब्रॉडकास्टर ने दिया है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। अब पूरे की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी यूएई, दुनिया की दो टॉप की टीम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जब वो ही पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही, तो फिर भाईजान आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी घंटा चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान? जिसको हमने बहुत बड़े स्केल पर देखना है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग। रियलिटी ये है जी कि असूली तौर पर इंडिया समेत तमाम क्वालिफाइंग टीमों को पाकिस्तान को ना सिर्फ होस्ट करना है, ना चाहते हुए भी अगर पाकिस्तान ना चाहे तब भी एक मेंबर के तौर पर, एक होस्ट के तौर पर, और सब टीमों को आना भी है क्योंकि ये आईसीसी के उसमें ज्यादा नहीं हो जाएगी अली पाकिस्तान के साथ कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सबको होस्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान में हालात भी ठीक हैं, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को कोई थ्रेट नहीं है, बट इंडिया अपने आप को थ्रेट समझ ले, तो फाइब्रिड की बातें तो आ रही हैं पड़ोसी मुल्क से, बट ज्यादा नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए। जहां मोहसिन नकवी और जय शाह, ये सुना जा रहा है कि 20 तारीख को वन ऑन वन भी वो मीटिंग करेंगे जहां चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टिसिपेशन की बात होगी, कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी इसको सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊंट को एक करवट बिठाने के लिए दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। ना पाकिस्तान के मीडिया के बोलने से कुछ होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी, फिर भारत पाकिस्तान की टीम गई थी। क्या आपको लगता नहीं कि आगे भारत ने भी दो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो के पहले पाकिस्तान में होनी थी, वो तमाम की तमाम टीमें तैयार थी, लेकिन सबसे पहले इंडियन टीम ने इनकार किया, बीसीसीआई बोर्ड ने इनकार किया, उसके बाद अफगानिस्तान टीम ने आने से इनकार कर दिया, अफगानिस्तान टीम के बाद ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया क्रिकेट की बहुत बड़ी टीम है, उसने भी पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि क्रिकेट हिस्ट्री की दो बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अगर ये दो टीमें पाकिस्तान नहीं आएंगी तो 100% चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं हो सकती, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो सारे के सारे इंडिया से हैं, और अगर इंडियन टीम को चैंपियन ट्रॉफी में ना डाला गया, इंडिया के ब्रॉडकास्टर ना आए, तो चैंपियन ट्रॉफी कोई भी लाइव नहीं दिखाएगा, और अगर चैंपियन ट्रॉफी लाइव नहीं दिखाएगा जिसका आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडियन जो चाहती थी कि पहले भी यही बीसीसीआई बोर्ड ने कहा था कि हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और वही नोटिफिकेशन जारी कर दिया आईसीसी ने कि चैंपियन ट्रॉफी के आधे मैच यूएई में शिफ्ट कर दिए और आधे मैच पाकिस्तान में, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के इनकार करने के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 के तमाम मैच पाकिस्तान से बाहर होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये दो बड़ी टीमें, और अगर इन दो बड़ी टीमों के जितने भी मैच पाकिस्तान से बाहर होंगे तो बाकी छोटी टीमों के पाकिस्तान में मैच करवाने का कोई खातिर खा फायदा ना होगा। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती, और अगर इंडियन टीम कह रहा है जिस तरह फलू सी बात पीसीबी बोर्ड कर रहा है कि इंडिया अगर ना आए तो श्रीलंका को टीम में डाला जाएगा, और अगर श्रीलंका को टीम में डाला गया, चैंपियन ट्रॉफी में डाला गया इंडिया की जगह, तो कोई भी व्यूअरशिप नहीं आएगी, बिलखसूस जो ब्रॉडकास्टर है जिनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, जिनकी इन्वेस्टमेंट की मदद से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कनेक्ट करवाएगी, और अगर वो भारी इन्वेस्टमेंट ना आएगी तो आईसीसी किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी कनेक्ट नहीं करवा सकती। लिहाजा ये बात सोचना कि इंडियन टीम को किसी भी आईसीसी इवेंट से बाहर करना उस पूरे इवेंट को तबाह करने के बराबर होगा। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छिनवा रहे हो, पहली तो बात है आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है, और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है?
आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है। वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ ये बेशक समझ लो, वो अमीर बोर्ड है, वो रिच बोर्ड है, उनके पास पैसा है और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब इंडिया क्या करे, इंडिया ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे अफगानिस्तान भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भाईजान जब निकलती है ना तो समझ लो बेड़ा गर्क हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है कि बांग्लादेश नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने। और बांग्लादेश ऑफिशियल्स ने यह बात बताई थी कि हम टेस्ट सीरीज खेलने, बायलैटरल सीरीज खेलने पाकिस्तान जरूर आएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी के मसले हैं। अब पूरे की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी यूएई, दुनिया की दो टॉप की टीम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जब वो ही पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही तो फिर भाईजान आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी, घंटा चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान में? अब ना चैंपियंस ट्रॉफी पूरे की पूरी यूएई चली जाएगी, बैठ के ना उधर फिर तू तू बाजा बजाते रहना क्या साथ इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इन टीमों में बोल दिया, इन टीमों ने भी बोल दिया क्या सर हम पाकिस्तान खेलने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएंगे, इट्स अ क्लियर कट। देख लो भाई बड़ा गलत हो गया, अब बैठ के ना बस अपने मुंह पे हाथ रख लो और बैठ जाओ। ये चैंपियंस ट्रॉफी काफी दूर है लेकिन मेजबानी पाकिस्तान के पास है, जाहिर सी बात है हम काफी संजीदा हैं, हमसे मुराद बोर्ड है या पाकिस्तान, जाहिर सी बात है मेजबान है। तो इसमें रोजाना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? देखिए सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी कमेटी, वो आईसीसी वाले भी होके गए थे, सब चीजों का जायजा वो लेके गए थे, कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आईसीसी ने जब शेड्यूल कंफर्म कर लिया ना, दैट मींस दे हैव द कंफर्मेशन कि पाकिस्तान में ये सारे मैचेस पॉसिबल है। अगर वो अपनी फ्री विल के तौर पे अपने जो है ना अना के मसले को बना के आईसीसी ने गो अहेड दे दिया कि आप जाएंगे ये सारी टीमें, भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, टॉप 8 टीम्स खेलने आ रही है, हम मेजबान है, हम उसमें शामिल है, ठीक है, किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है। बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया, ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना, पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मुश्किल आ रहा है, जहां पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसे कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मुश्किल रहा है करना। आप इंडियन मीडिया को तो क्वाइट फ्रेंकली जो मेरा फॉर्मूला है मैं उनको जिस हद तक इग्नोर कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और ऐसी उनकी अफवाहों को, फजूल बातों को इनको अपने दिमाग पे हावी करना या उनको जो है ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा।